भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि करण के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते। लेकिन भाजपा किसको चुना है, किसको चुना है भाजपा भाई, किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, नहीं आप लोगों को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव। तो जैसा जैसा चुना है वैसा भरेगा। हरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं, और ये जनसुराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान। अब हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं बिहार में। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकारमय है। देखिए तरारी से, देखिए क्यों अंधकारमय है। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जनसुराज तो बहुत छोटा प्रयास, दो साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि करण के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते। लेकिन भाजपा किसको चुना है, किसको चुना है भाजपा भाई, किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, नहीं आप लोगों को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव। तो जैसा जैसा चुना है वैसा भरेगा। तो आप ऐसा है, हमको हम भाजपा का हम थोड़े टिकट जारी करते हैं भाई। वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है, उन लोगों को देख लीजिए, और जनसुराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हार छोड़िए, जनसुराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों का भविष्य, दोनों में जो अंतर है वही जनसुराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क है।